सौरभ जोशी का घर भी दिख रहा है मुझे ऊपर, यहीं कहीं था यार। हाँ यहीं कहीं है, शायद यहीं कहीं होगा, अगर इसे पता होगा तो बता रहा। सौरभ जोशी इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर भाई मिल चुके हैं, इनकी गाड़ी देखी थी हमने तो ये मिल चुके हैं हमें, हम रुक चुके हैं तो अब भाई के साथ। एक तो भाई ना, मैं और बाबिला भाई पहुंच चुके हैं चंदा, और आप देख रहे हैं ये देखे जेसीबी खुदाई, इधर देखो इधर भी खुदा, इधर भी खुदा, और आगे अभी थोड़ी देर बाद खुदेगा। तो भाई ना देख रहे हो तो पहाड़ों में देख रहे हो, लोग ना शहर में क्या देखते हैं भाई, बड़े बड़े वॉल देखते हैं, और हम देखते हैं जेसीबी की खुदाई। तो मैं और बाबिला भाई देख रहे हैं जेसीबी की खुदाई, हम यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे फिर और देखेंगे। तो चलिए थोड़ी देर आप भी इंजॉय करें इसको, हम निकलते हैं आगे की तरफ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए हम लोगों को गवर्नमेंट ने क्या दिया भाई, देखो ये देखिए रोड, देखिए हमारी खुदा हर जगह है भाई। मैं आपको ऐसे ऐसे जगह दिखा दूंगा कि जो सालों से खुदी हुई है लेकिन उसमें काम नहीं चल रहा है, हर साल होता है बट हर साल खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। और क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ना लोग जिन लोगों को, जिन कॉन्ट्रैक्टर को या फिर जिन ठेकेदारों को काम देती है ना, उनको वो चेक नहीं करती, यहाँ सब काम चलता है ले देके। तो अब देख रहे हो इसकी जो जो इसकी भरपाई है ना, वो एक आम आदमी को करना पड़ता है। आम आदमी को सिर्फ इनने जब वोटिंग का टाइम आता है ना तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। देखो आम आदमी की ज़िंदगी कैसी हो गई है, एक आम आदमी ना अपने लिए गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है, तो जब गाड़ी रोड में लेके आता है ना तो ऐसी हालत है, जब उसकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है ना तो वो कितना ज़्यादा टूटता होगा आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि उसका मेहनत का पैसा है, और जिम्मेदार तो वही रहेगा। हाँ, रोड का पैसा तो खा के चल रही है, हाँ खा के चल रही है, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की हो जाती है। हर गाड़ी वाला टैक्स भरता है, और टैक्स भरने के बाद उसको अगर ये रोड मिलती है तो भाई हम किसको बोले भाई, हम किसके पास जाए, क्योंकि हमारे अपने जो विधायक हैं, नेता है, वो हमारी सुनने को तैयार नहीं, हमारी वो किसी को भी नहीं सुनते, क्योंकि जब आपके पास बड़ा पद आ जाता है, रैंक आ जाता है ना, तो आप अपने आप में बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कैसी रोड होगी, तो मिलते हैं आपको आसानी की तरफ। मैं और बाफिला भाई रुक चुके हैं एक जगह पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लक्ष्मी आंचल भाई, मतलब देख रहे हो क्या गार्डन बनाया है भाई, मतलब जिनने भी ये बनाया हुआ है ना, देखिए आप लोकेशन देखिए, ये है कौसानी वाली रोड जो सुमेश्वर से आती है कौसानी की तरफ, तो रास्ते में देखिए ये देखिए, ओ भाई मतलब क्या ही अल्टीमेट बना रखा है, पूरा हरा भरा एक बार अंदर तो देखिए, आप देख रहे हो, और सोलर पैनल भी लगा रखा है चाय उबालने के लिए, कि जब आपके पास कोयले ना हो, लकड़ी ना हो और धूप हो आपके पास अगर, तो ये देखिए। और सबसे बेस्ट इनके आप चीज़ देख रहे हैं, पूरा पूरा जो कुमाऊनी कल्चर के द्वारा बनाया जाता है ना, पूरा आप कह सकते हो पुराने तरीके से इसको बनाया गया है। देखो सोलर प्लांट के, सोलर प्लांट से चाय, देखो ये देखिए ये, हाँ सोलर प्लांट से चाय, तो ये वाह फैला वाह। तो देख रहे हो अंकल जी ने, यहाँ शायद मुझे अभी कोई दिख नहीं रहा है, या हो सकता है ना हो, बट देखो पूरा बहुत सिंपल है और बहुत अट्रैक्टिव बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा कोई ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं किया, नीचे आप देख सकते हैं पूरा खेत है, और ये देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं किया हुआ है, लेकिन एक चीज़ आप देख लीजिए क्या सिंपल तरीके से इसको बनाया गया हुआ है, देखिए। तो चलिए अब देखते हैं, किसी को ढूंढते हैं, बाफिला भाई नीचे बैग उतार रहे हैं, हम भी उतारते हैं। आपको एक चीज़ बताऊं, हाँ, कि पहाड़ों में आके आप अपनी रेस्टोरेंट को ऐसे ओपन छोड़ सकते हैं जिसमें आपको पानी पीने को मिल जाएगा। हाँ देखो मतलब कोई है ही नहीं यार यहाँ पे, पानी मिल गया है यहाँ पे रखा हुआ है जग, और देखो थाली बर्तन वर्तन सब ऐसे और रखे, मतलब अगर आप रात को आते भी हो ना, हाँ, तो आप आराम से आके यहाँ पे बढ़िया से चाय खाना बना सकते हो, बढ़िया सा अपना एडजस्ट। और एक चीज और देखिए भाई, स्टैंड कर सकते, और अंदर आ सकता है, अंदर कोई नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा अंकल कोई है ही नहीं, पता नहीं यार लोग कहाँ है। और देखो सिंपल कितना बना रखा, पूरा गोबर से बना रहा है, मतलब देखो जो गाय का भैंस का गोबर होता है ना, उसमें रेड कलर की जो लाल कलर की मिट्टी होती है वो मिला के। बाफिला भाई क्या कहना चाहोगे, देखो सिंपलिसिटी देखो यार, सिंपलिसिटी देखो, ये मतलब इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस एक इनोवेशन है अपने दिमाग का, और ये देखो कितना सुंदर और कितना सिंपल लग रहा है। देखो ये है इनोवेटिव माइंड है, चीड़ के पेड़ मजा आ गया, चीड़ के रिट्ठे हैं, रिट्ठे मतलब उसे चीड़ के पेड़ के दाने कह सकते हो, उसे फल कह सकते हो। तो मैं देखो बाफिला भाई एक चीज, सुकून बोलते हैं तो बाफिला भाई एक चीज तो आप बोलते हो ना कि कितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया, सिंपल बनाया हुआ है,
लेकिन कितना ज्यादा अच्छा बनाया हुआ, अच्छा देखो देखने में कितना, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। कुछ भी अंकल ने नहीं किया, कुछ भी नहीं। जो पहाड़ों पे ना जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वही चीजें अंकल ने यूज की है और वही चीजों से बनाया। अच्छा चलिए, एक इनोवेटिव माइंड मुझे इतना अच्छा लगा ना कि अगर आपके यहाँ धूप धूप आती है तो आराम से आप सोलर पैनल बना रखे और उसके बीच में केतली है और उसी का जो गर्म है उसमें पानी डाल दिया, गर्म पानी हो जाएगा, चाय बढ़िया करके मिल जाएगी। और दिमाग देखो ना कितना सही, कोई एक्स्ट्रा खर्चा, लोग बोलते हैं ना हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर रखा है, पहाड़ी चीज को इस्तेमाल कर रखा है और बहुत अच्छा आपको प्रेजेंट कर रखा है। बस आप आइए और इसको टेस्ट करिए। फिर से दिखाता हूँ आपको एक बार, चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं रख लेता हूँ हेलमेट यहाँ पे, तो इसको मैं हेलमेट को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैं आपको एक बार आगे से दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एंट्री पॉइंट, इसके एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ। बाफिला भाई तो घूम रहे हैं, बाफिला भाई प्लॉट ले लो यहीं पे। देखो ये ना सोमेश्वर से आती वाली रोड है और यहाँ पे देखो क्या बोर्ड लगा है, यहाँ पे बोर्ड लगा है लक्ष्मी आंचल भाई, मतलब क्या नाम दिया हुआ है। देखो लक्ष्मी मतलब एक घर की जो एक औरत, एक माँ होती है, एक बेटी होती है, जब सम्मान होता है, मतलब भाई उससे बड़ा कुछ भी नहीं है यार। आप देखो एक चीज़ आपने हमेशा याद रखा होगा, जब लक्ष्मी लिखा है ना आंचल लिखा हुआ है, तो मतलब एक माँ की फीलिंग जो आती है ना, एक औरत की फीलिंग जो आती है, मतलब एक बड़ा सबसे बड़ा घर का सम्मान, जैसे बाफिला भाई ने बोला एक घर का सम्मान, तो देखिए उस नाम पे ये लिखा रखा हुआ है। और देखिए अब दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए अब इसमें क्या देखोगे आप इसको, मतलब आप जब इसको देखोगे ना इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव कुछ भी नहीं है। हम भाई मतलब 10 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ आए हुए और कोई नहीं है यहाँ पे, इसकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं। देख रहे हो भाई मतलब क्या यार बाफिला भाई है, बहुत मजा आ गया खुद इसको देख के, मतलब मन ही नहीं भर रहा है, आंखें भर बोलते ना आंखें भर जाती है बट आंखें नहीं भर रही है इसको देख के, इतना अच्छा बनाया हुआ है। देख रहे हो भाई मतलब गजब यार। बाफिला भाई तो टाइम लैप्स बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं और हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हैं। और मैं सच में आपको एक चीज़ बता दूँ, तो बाफिला भाई आप भी ये मानेंगे, जो लक्ष्मी लिखा है ना, जो लक्ष्मी आंचल लिखा है, एक्चुअली पूरी माँ वाली जो फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है माँ का आंचल ही होगा, क्योंकि बहुत देर से हम खड़े हैं यहाँ पे, आधे घंटे से कोई है नहीं यहाँ पे, और लेकिन एक फील आ रहा है ना, बाहर चले जाओगे ना वो फील आपको आएगा नहीं, लेकिन यहाँ जो हवा चल रही है ना, जो हवा आपकी आत्मा को जो रूह में ना, उससे ज़्यादा भयंकर, मतलब गजब हवा है यार, गजब मतलब अलग ही चल रहा है, अल्टीमेट है भाई। मतलब देख रहा पीछे क्या सिंपल बना रखा है, कुछ भी नहीं किया हुआ भैया, कुछ भी नहीं, मतलब जितना हो सकता अंकल ने ना अपने घर में जो पहाड़ों की जो चीज़ें होती है ना, लकड़ी पेड़ में से तोड़ी हुई, वो चीज़ें यूज़ किया फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपको नेचर देती है, जो प्रकृति आपको देती है। तो दिखाता हूँ एक बार और आपको भी, यहाँ बाहर अंकल जी है, यहाँ अभी तक अंकल जी पधारे नहीं, हम करीबन आधे घंटे से हमने 4-5 टाइम लैप्स बना दिए, आधे घंटे से हमने 4-5 वीडियो बना दी, अभी तक हम सोच रहे हैं अंकल जी आए थोड़ा भात खिला दे, मतलब हद से ज़्यादा भूख लग गई है, हम अंकल जी का वेट कर रहे हैं, ना अंकल जी ने नंबर डाला है ना कुछ, शायद अभी ये जो एरिया है इसको रिनोवेट करा गया है बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा बनाया है। बगल में भुट्टे उट्टे लगाए हैं और ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, बाजरा है भुट्टा, हाँ बाजरा है वो, और यहाँ भाई हमारा पूरा आराम ले रहा है। तुम क्या कहाँ जा रहे हो भाई? मैं जा रहा हूँ कुछ लेके आता हूँ, अंकल जी तो यहाँ पे है नहीं, तो क्या 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 लेके आओगे? तो कुछ भी ले आएंगे भाई, मैं थोड़ा यहाँ आराम, मैं बैठता हूँ, तुम लेके आओ फिर कुछ ले जाओ। भाई मैं जा रहा हूँ लेने, वो लेके आना है कुछ, क्या बताए, कुछ पानी वानी, पानी है, जूस वूस लेके आना। और सुनो अपने लिए कुछ कर रहा हूँ यार, क्या बोलते हैं, सुनो वो लेके आना कुछ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और दो चार एक कुछ भी खाने पीने का होगा वो ले आना, ठीक है, आराम से मैं लेके आता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ थोड़ा मजे कर लेता हूँ तब तक, थोड़ा सा ढूंढो अंकल को भैया, अंकल तो अभी नहीं मिलेंगे, इसमें फोन। लाइफ में ना कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिन मोमेंट्स में आप ना अपने आप को सुनना चाहते हो, अपने अंदर की बातें सुनना चाहते हो, और वो मोमेंट अभी मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ, और जो मेरा टाइम है, जो मेरा एक्चुअल, मैं अपने आप को सुकून भरा टाइम जो अपने आप को दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो घंटों के इंतज़ार के बाद थक कर, हार कर, टूट कर, बिखर कर, भूख से हम परेशान हो गए थे, अब हम निकल रहे हैं घर को क्योंकि अंकल जी नहीं आए, और सब्र का हमारा ना सारे मतलब पहाड़ टूट चुका है, सारी सीमाएँ टूट चुकी है। अंकल जी अपनी सीमाओं को, हदों को लांघ कर अभी तक अपने दहलीज लांघ कर घर के अंदर सो चुके हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे। तो भाई ना अब हम जा रहे हैं सुमेश्वर, तो अब ना बाफिला फाइनली बोल रहा है कि भाई हम खाएंगे छोले भटूरे, तो मैंने बाफिला को पहले ही बोला था कि खा के जाते हैं, तो उस टाइम पर तुमने क्या बोला था भाई कि मुझे ऑयली नहीं खाना, अब बोल रहा है कि भाई मुझे खाना है, तो चलिए हम निकलते हैं आगे की तरफ। बाफिला भाई आ जाओ यार, अब मेरा हेलमेट तुमने यहाँ रखा हुआ है भाई, मतलब क्या यार अभी ना कोई देखेगा ना, मतलब ऐसे ये मतलब यार ये देख रहे हो आप, ये भाई अब बाफिला इसमें तो दरवाजे नहीं है भाई, अब ये देखिए ये दरवाजा नहीं है, ओपन रहता है, और भाई क्या हवा आ रही है, बाफिला भाई अंदर आ जाए यार, भाई जो हवा आ रही है, और एक तो ये सबसे ठंडा इसका रहने का एक राज ये भी है ना, देख रहे हो मिट्टी अल्टीमेट। बाफिला भाई तो वहाँ पे कर रहे हैं, गोप्रो को ऐड कर रहे हैं, अभी हेलमेट में करेंगे,
और अब मैं इसको भाई मतलब 2 घंटे से चाय उबल रही है, केतली का पानी सूख के केतली हो चुकी, देखो भाई काली हो चुकी, देखो भाई मतलब सौर पैनल में रखने के बाद भी हीट होने के बाद भी देखो काली हो चुकी है। टेक्नोलॉजी देख रहे हो भाई, इसमें तो नीचे कुछ लगा रहता है यार, वॉल्व टाइप का नहीं है। तो अब हम करेंगे स्टार्ट अपनी बाइक और निकल जाएंगे सीधा वापस सोमेश्वर की तरफ। भाई अब कौसानी तो सामने है, पहाड़ों देख रहे हैं सामने, पेड़ के पीछे कौसानी है, तो उधर हम नहीं जा रहे, अब हम जाएंगे अब घर की तरफ सीधा। माफिला भाई आ जाओ भाई, ये खूबसूरत इतनी सुकून भरी लाइफ को छोड़कर अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मतलब यहाँ आप ज़रूर आइएगा। तो ये देखिए लक्ष्मी आंचल, यहाँ पे ना खीम नगर लिखा है भाई। ये है सौरभ जोशी, इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर भाई, मिल चुके हैं, इनकी गाड़ी देखी थी हमने, तो ये मिल चुके हैं हमें, हम रुक चुके हैं। तो अब भाई के साथ एक तो भाई मतलब इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर भाई, मतलब हम ना ढूंढ ही रहे थे इनको, हमने इनकी गाड़ी देख ली थी। थोड़ा साइड ले लो यार, पीछे की गाड़ी आ रही, और देखो सौरभ दा मिल गए भाई, मतलब इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर भाई, मतलब हम ना ढूंढ ही रहे थे इनको, हमने इनकी गाड़ी देख ली थी, तो देख रहे हो गाड़ी हमने इनको रिक्वेस्ट की थी रुकने के लिए। सौरभ भाई ब्लॉग बना रहा हुआ, ब्लॉग बना लूं भाई? बस यही ना बना लो ना, कैसे हो आप? बस हाथ मिला लो भाई। अच्छा नमस्कार, कहाँ से आए हो आप? यार हमने गाड़ी तो देखी थी, हमने सोचा क्या डिस्टर्ब कर, के नंबर वन ब्लॉगर भाई मिल चुके हैं, इनकी गाड़ी देखी थी हमने, तो ये मिल चुके हैं हमें, हम रुक चुके हैं। पता है एक तो भाई जब आप जा रहे थे ना, हम सोचे थे सौरभ भाई तो इतना तेज चलाते नहीं है गाड़ी, अभी इतनी तेज कौन ले जा रहा है भाई। एक फोटो है भाई, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अच्छा, और आज यहीं हो या आजकल यहीं हो? नहीं मैंने ना गाड़ी देखी आपकी, पर हमें लगा कि यार आप शायद हो सकता, क्योंकि हम आज कल ना आपकी वीडियो देख रहे भीमताल वाला, अपने भीमताल वाला लाला था, तो मैं भाई को बोल दिया था सौरभ भाई आए होंगे भाई, मतलब यार चलो अच्छा लगा यार सौरभ भाई मिलके, ठीक है थैंक यू, मिलते ऑल द बेस्ट भैया। अभी तो ऊपर को जा रहे थे, अब घर को निकलते हैं। बहुत सही जगह भाई, आप जाओगे ना यहाँ रुकना, बहुत ही अल्टीमेट जगह भाई, जिसने बनाया है ना ये वाली लोकेशन है ना, बना रखा है, पर आप देखना काफी अच्छा है यार, यहाँ पे दिखा लेना एक बार, बहुत सही लोकेशन है, लेकिन बहुत ही अल्टीमेट जगह बनाई अंकल ने। हम भी रुके थे, हम पर क्या 2 घंटे से रुके हैं, बट है कोई नहीं वहाँ पे, हम अपना सामान वामान लेके आए थे, रुके थे खाया पिया, अब हम घर को निकल रहे। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं। हाँ ओके भाई जी, टेक केयर, बाय, मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, मीटअप करेंगे 1 मिलियन के। अच्छा लगा मिलके भाई से। मिल चुके हम लोग, ठीक है बाय सारे भाई, मिलते हैं, मिलेंगे बहुत जल्दी भाई, मीटअप करेंगे 1 मिलियन के बाद, डन डन, ओके भाई। और कैसा लगा फिर सौरभ जोशी से मिलके? मतलब यार सच में यार, पता भाई हम ना, मैं जब मतलब इसको किस्मत ही बोलोगे तुम, बोलेंगे हम लास्ट टाइम भी आए थे और हम निकल ही रहे थे बस, अच्छा बैठे रहे वहाँ, बैठे रहते तो हो जाता, वहाँ बैठा था और मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आते टाइम हमने बोला भी था कि बाफिला भाई को कि सौरभ भाई आए होंगे, तो सौरभ बाफिला भाई ने एक चीज बोली थी नहीं आया था, और मैंने अभी सौरभ भाई को ये बोला भी, मैंने तो अपनी वीडियो देखी और आप भीमताल में थे यहाँ कैसे आ गया लेके घर आए भाई, मैंने उसे बोला कि भीमताल में, उसको बंदा पता चल गया कि मेरी वीडियो देखता है। चलो सही है, कम से कम ये हो गया कि भाई को सौरभ जोशी से मिलना था और सौरभ जोशी मिल भी गया, सही है, बहुत सही है। अब फिलहाल हम निकल रहे हैं घर को ही, क्योंकि भूख भी लग गई है, तो सोमेश्वर साइड में कुछ खा लेंगे, यहाँ से निकलते हैं। और मैं आते हुए आपको बता भी रहा था कि यार ये सौरभ जोशी की ही है, मैं बता नहीं रहा था थार सौरभ जोशी की है, हम लोग ये बोल भी रहे थे कि सौरभ जोशी की थार। तो चलो यहाँ से बढ़िया टाइम स्पेंड करके और ये भाई से भी मिल लिए, क्योंकि जो सिंपल वाला कंटेंट बनाया ना भाई ने बहुत सही तरीके से, और यहाँ से व्यू कितना सही है यार, ये वाली कैफे भी सही लग रही ना, वैली व्यू होम स्टे रेस्टोरेंट, यहाँ रुकना था यार। ओ भाई देखो, मजा आ गया है। ये देख रहे हो जस्ट हम लोग ना 50 मीटर नीचे आए हैं इस रोड से, और 50 मीटर नीचे आने के बाद आप ये देखिए क्या, मतलब भाई मतलब क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, इससे मतलब आज ना दिन बन गया। मैंने आपसे एक बात बोली थी, जब आप आपके सपने अच्छे होते हैं ना, तो चीज़ें भी आपके साथ अच्छी होती, तो मॉर्निंग में हमने सौरभ जोशी की गाड़ी देखी और सडनली सौरभ जोशी से आज हम मिल गए, क्योंकि इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर है और हर कोई जो ब्लॉगिंग करता है उनसे मिलना चाहता है एक बार, तो ज़्यादा मीटअप नहीं हो पाया क्योंकि वो किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से कहीं निकल रहे हैं अभी, तो 2-3 मिनट रुके हुए हों, तो भाई मतलब
अल्टीमेट दिन था यार आज, और अल्टीमेट व्यू बाफिला भाई यहाँ बना रहे। तो अब हम जा रहे सोमेश्वर की तरफ, बहुत ज़्यादा की भूख लगी, अब खाएंगे कुछ और उसके बाद निकलते हैं आगे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, हमारा परफेक्टली आना और हमारा परफेक्टली उनसे मिलना, क्योंकि अभी वो निकल रहे हल्द्वानी साइड, हाँ उसके बाद मिलते भी नहीं हो, तो अच्छी बात ये थी कि हम सब कुछ सही तरीके से आए यहाँ पे, इंजॉय किया, अपना टाइम स्पेंड किया और मिल के चले भी चले गए। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के पास, तो बाफिला भाई ये रहे। अब बाफिला भाई यहाँ से जाएंगे अल्मोड़ा की तरफ। बाफिला भाई देखोगे इस तरफ को तो काफ़ी, हम इस ट्रेन का आनंद ले रहे हैं फिलहाल, और सोनू भाई को ड्रॉप करते हैं यहाँ पे और हम निकलते हैं ऊपर, क्योंकि भाई ना आंखें खुल गई हैं अभी भी अचानक से हमारी, हम बहुत ज्यादा नींद में थे, और जो आंखें खुली है ना एंडोर्क वाले ने जो किया हमारे साथ भाई, वो बिल्कुल ही मतलब हमारे मुंह पे डाल दिया उसने भाई, मतलब ऐसा हुआ तो बाफिला भाई ड्राइव कर रहे थे बच गए, नहीं तो नींद आ रही थी हेलमेट में, पर गोप्रो ऑन किया होता था तो मजा आ जाता भाई, मतलब लाइव दिखाते, और फिर तो वही वाला था भाई भाई भाई। आज का दिन तो बहुत ही सही रहा, मतलब ऑसम दिन रहा, क्योंकि बाकी आप बने रहेगा वीडियो में और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहेगा यार, प्यार बरसाते रहेगा, प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मोहब्बत तो है ही, मोहब्बत मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।